रहे हैं विमान AKA-101 के आगे के पहिए जाम हो गए हैं। Hello everyone, this is your captain speaking, Ferris Cyblock, to welcome you aboard Air India. Waiting for instruction. AKA-101, we have cleared runway 27 for emergency landing. You are clear to land. बिना सामने वाले पहियों के लैंड करना, प्लेन स्किप भी कर सकते हैं, एक्सप्लोड भी हो सकता है। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यू विल बी खत्म। वी हैव टू फिनिश दिस चैप्टर। क्या है फिल्म मेटे से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें? क्यों कैरी मिनाती ने मेटे फिल्म के लिए हाँ कर दी? फिल्म में कौन से रोल करने वाले हैं कैरी मिनाती? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की एकदम नई वीडियो में। आज बात करने वाले हैं हवाई अभियान पर आधारित एक रोमांचक कहानी के बारे में, जहां एडवेंचर भी होगा और थ्रिल भी। दोस्तों बात करेंगे फिल्म मेटे के बारे में, जिसके लीड रोल में नजर आएंगे अजय देवगन और अमिताभ बच्चन। फिल्म सत्याग्रह के बाद अब 7 साल बाद आपको इन दोनों की जोड़ी को एक साथ देखने का मौका मिलेगा, जहां अजय देवगन अमिताभ बच्चन का निर्देशन करेंगे। आपको बता दें कि अजय देवगन ये काम पहली बार नहीं कर रहे, वो एक्टिंग के साथ अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं। जहां साल 2016 में आई शिवाय और साल 2008 में आई यू मी और हम का भी उन्होंने निर्देशन किया था, वहीं फिल्म में इंडस्ट्री के कुछ और कलाकार भी नजर आएंगे, जैसे कि अमिताभ बच्चन, रकुल प्रीत सिंह, अंगीरा धार और आकांक्षा सिंह। लेकिन इन्हीं के साथ साथ अजय देवगन ने एक ऐसे युवा को फिल्म में कास्ट किया है जो यंगस्टर्स में काफी फेमस है। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म मेरे से पॉपुलर यूट्यूबर कैरी मिनाती अका अजय नागर बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं, साथ ही उन्हें मौका मिलेगा इंडस्ट्री के फेमस एक्टर अजय देवगन और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का। और दोस्तों ये बहुत गर्व की बात होने वाली है कैरी मिनाती के लिए, वो अपनी पहली फिल्म में इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ के साथ काम करेंगे। अब दोस्त जहां कैरी मिनाती की फनी वीडियोस का मजा हमने 6 इंच की छोटी स्क्रीन पर लिया है, वहीं आपको 70 mm की मेगा स्क्रीन पर वो नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, कैरी मिनाती ने एक स्टेटमेंट में बताया है कि फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों के साथ काम करने के लिए मैं रोमांचित और सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस ब्रांड न्यू एडवेंचर का पार्ट बनने के लिए मैं बेहद उत्सुक हूं। हालांकि अतीत में मुझे बॉलीवुड फिल्में ऑफर की गई हैं, लेकिन मैंने इस परियोजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हुआ हूं, क्योंकि इस फिल्म में मुझे खुद का ही किरदार निभाने को मिला और कैरी मिनाती को 70 mm की मेगा स्क्रीन पर जीवंत करने का अवसर मिला है। तो दोस्तों ये फिल्म उनके लिए इसलिए भी खास है कि इसमें रोस्टिंग वाली वीडियो जैसा ही किरदार वो इस फिल्म में भी करने वाले हैं, और इस फिल्म के बाद उनकी लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग पर भी बेशक बहुत असर पड़ेगा। इससे उन्हें लाइमलाइट में आने का भी एक अवसर मिला है, और दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि कैरी मिनाती के लिए ये फिल्म करना काफी आसान भी होने वाला है। कैरी मिनाती ने एक महानायक अमिताभ बच्चन और अजय देवगन जैसे कलाकारों के साथ काम करने को लेकर कहा, मैं इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए राजी हुआ क्योंकि मुझे अपने किरदार को ही फिल्म में दिखाना था और मेरे लिए ये बहुत आसान है। मैं खाना खाता हूँ, सांस लेता हूँ, सोता हूँ, मैं हर दिन अपने किरदार को जीता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे अमिताभ बच्चन और अजय देवगन से अभिनय के बारे में कुछ सीखने को मिलेगा। अब इससे दोस्तों ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि कैरी मिनाती बॉलीवुड की फिल्में करने में थोड़ा कम कतराते हैं, क्योंकि अपने किरदार से अलग रोल करने में शायद उन्हें कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़े, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री ही नहीं लेना चाहते और अपने यूट्यूब कंटेंट से ही बहुत खुश है। वही उनका इस फिल्म को लेकर हाँ करने का रीजन भी साफ है कि कैरी मिनाती का इस रोल में देखकर अब उनकी फैन फॉलोइंग भी 2 गुना और बढ़ सकती है, जिससे उनके YouTube बिजनेस को भी इनडायरेक्टली फायदा होगा। आपको बता दें अपनी रोस्टिंग वीडियो और फनी कंटेंट के लिए वो ऑलरेडी काफी मशहूर हैं और लोग उनकी वीडियोस बहुत पसंद करते हैं। हाल ही में शुरू हुए TikTok वर्सेस YouTube विवाद का अहम हिस्सा तो कैरी मिनाती बन चुके हैं, जिनका YouTube वर्सेस TikTok की रोस्टिंग वीडियो वायरल हुई और YouTube पर कई रिकॉर्ड्स तोड़ने ही वाली थी जब वीडियो को YouTube गाइडलाइंस की वजह से डिलीट कर दिया गया। लेकिन इसके बाद तो YouTube वर्सेस TikTok का विवाद और बढ़ गया और सोशल मीडिया पर काफी समय तक इससे जुड़े मीम्स और पोस्ट छाए रहे।
अब दोस्तों रोल पता चलने के बाद दर्शकों के मन में ये सवाल भी उठने लगे हैं कि मेटे में कैरी मिनाटी किस पर रोस्टिंग वीडियो बनाते नजर आएंगे और कितने मिनट का होगा ये किरदार। दोस्तों टाइम का तो पता नहीं, लेकिन किरदार में ये भी हो सकता है कि कैरी मिनाटी किसी सरकारी संस्था या किसी पॉलिसी के खिलाफ वीडियो बनाते नजर आए, किसी पायलट की कहानी पर वीडियो बनाए या फिर मीडिया में फैली किसी न्यूज पर। अब हम जानते ही हैं कि ये फिल्म एक ह्यूमन ड्रामा है, तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि इस फिल्म में ऐसा इशू दिखाया जा सकता है जो पूरे देश में सनसनी खबर बन चुका हो और कैरी मिनाटी भी इसका हिस्सा बनते नजर आए। अब दोस्तों कहानी का खुलासा तो फिल्म देखने के बाद ही हम कर पाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि दिसंबर के महीने में हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी और 2021 तक ही फिल्म को रिलीज किया जाएगा। दोस्तों ये थी फिल्म मेटे से जुड़ी कुछ लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स। ऐसी ही और फिल्मों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है मुस्कान चावला ने।